नमस्कार सभी दर्शकों को। तो दोस्तों, मैं निकला था आज मंसार मेला घूमने के लिए, पर बीच रास्ते में मुझे यहाँ के स्थानीय लोग मिल गए और उन्होंने बताया कि यहाँ देवल गांव में, जो कि सितांशु पट्टी के अंडर आता है, यहाँ एक पौराणिक मंदिर स्थापित किया गया है। लक्ष्मण जी का मंदिर और वैष्णव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ 11वीं सदी में बनाया गया था। तो पहले मेरे इसी मंदिर पर दिलचस्पी आई और मैं इस मंदिर को देखने चला गया। मंसार मेले का ब्लॉग आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल आप देवल के इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन कीजिए और अपनी राय भी बता दीजिए, यह मंदिर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, पीछे थोड़ा स्पीकर्स की आवाज़ ज़्यादा थी तो इसीलिए वीडियो पे क्लियरिटी आवाज़ की ज़्यादा नहीं आ पाई, पर अंकल जी ने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये पूरा मंदिर सिर्फ एक रात पे बनके तैयार हो गया था। और जब सीता माता चली गई थी समाधि लेने के लिए, तो लक्ष्मण जी उनको ढूंढते ढूंढते आए थे और उन्होंने इसी मंदिर पर एक रात्रि विश्राम किया था। और पहले ये मंदिर 18 समूह का था, पर वक्त जैसे ही बीतता गया सिर्फ 12 समूह का रह गया है। तो आप भी देखना और अगर आपको टाइम मिला तो यहाँ मंदिर घूमने जरूर आना, क्योंकि मंदिर बहुत ही प्यारा है। देखना
अभी मुझे यहाँ पे दो दर्शालु मिल गए जो मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और वो अभी अपने मंदिर की राय देंगे कि ये देवल का मंदिर। अंकल जी कैसा लगा आपको बताइए। हाँ जी हाँ साधन थोड़ा दुर्गम इलाका हो चुका है यहाँ। हम सरकार से ये गुजारिश रोड पक्की मिले। हाँ जी और जिससे श्रद्धालुओं की संख्या अधिक बढ़ेगी। हाँ जी तो सरकार अगर सुन सकती है कि यहाँ श्रद्धालु बहुत प्यारा मंदिर और बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है। अंकल जी ने बताया था पिछला जो आपने देखा अंकल का इंटरव्यू, तो अभी यहाँ पे थोड़ा आने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा श्रद्धालुओं को, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आने वाले 4-5 साल में यहाँ पूरे रास्ते बिल्कुल पक्के और सीधे बन जाएंगे। तो अंकल जी धन्यवाद आपका और आशीर्वाद मिले सबको। हेलो कर सबको, हेलो कर, तो फेमस हो जाएगा तुझे नहीं पता। तो जैसे कि अभी आपने पिछला मंदिर देखा, देवल का जो मंदिर था बहुत ही प्यारा मंदिर था, वैष्णव मंदिर के नाम से भी जाना चाहता है, कोट ब्लॉक के देवल गांव में एग्जैक्टली पड़ता है वो मंदिर और सच्ची बहुत ही प्यारा मंदिर था, 11वीं शताब्दी से बना था। अंकल जी ने बताया वहाँ पे जो अभी आपने देखे और उन्होंने ये खास बात बताई कि ये मंदिर पूरा एक दिन में बन गया। तो एक दिन में बन गया तो मुझे ये थोड़ा सुन के थोड़ा अच्छा लगा। और लक्ष्मण जी का मंदिर है मेन, ऐसा बोला उन्होंने, तो बहुत ही प्यारा मंदिर था, आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत था जैसा देवलगढ़ का मंदिर। अगर आप कभी देवलगढ़ गए होंगे और मुझे मौका मिला कभी तो मैं वहाँ भी दिखाऊंगा आपको देवलगढ़ के जाने का। पहले ज़माने में वो राजधानी हुआ करती थी यहाँ की, तो कभी टाइम मिला तो देवलगढ़ भी जाएंगे। फिलहाल अभी मैं मंदसौर के मेले की तरफ जा रहा हूँ और दिखाऊंगा आपको कि मंदसौर का मेला कैसा होता है। तो अरे भी गाँव की लाइफ देखो कितनी टफ होती है और रास्ता बिल्कुल ऐसा है दुर्गम टाइप का, ये देखो जैसे भी है, पर लोग काफ़ी मेहनती है यहाँ के सब, और मतलब गांव के एनवायरनमेंट में आके ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अच्छा अच्छा फील होता है, भीड़ भाड़ नहीं होती शहर की। तो ये देखो कुछ घर ऐसे मिट्टी के बन रखे हैं और कुछ कुछ पक्के भी हैं। उत्ता तय कर चुके हैं, अभी आगे बच रखा है थोड़ा।